स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ कक्षा 11 के भी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार का लक्षण और अनुप्रास अलंकार का बिल्कुल आसान उदाहरण, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनता है आपकी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार बन चुके हैं, यानी आपकी बोर्ड परीक्षाओं में अनुप्रास अलंकार से संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष लगभग पूछे जाते हैं। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यानी लक्षण क्या हो जाएगा और उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह के वीडियोज के द्वारा अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहें। तो क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का लक्षण अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, कैसे लिखेंगे आप अनुप्रास अलंकार का लक्षण, यानी कैसे लिखेंगे आप अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, तो चलिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है अनुप्रास अलंकार और इस साइड में आपको हेडिंग डालना है लक्षण। क्या हो जाएगा लक्षण? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यहां पर मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, आपको हाईलाइट नहीं करना है अपनी बोर्ड परीक्षाओं में या अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में। यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का बिल्कुल आसान उदाहरण, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है उदाहरण। और कैसे लिखा जाएगा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण अथवा क्या हो जाएगा बिल्कुल आसान अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, तो यहां पर कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवार बयारी, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवार बयारी। और मैं आपको बिल्कुल आसान उदाहरण बता दूं अनुप्रास अलंकार का, दूसरा उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहां पर कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवार बयारी में अनुप्रास अलंकार कैसे है, तो यहां पर आपको स्पष्टीकरण करके मैं आपको बता दूं कि जो पहला उदाहरण है इस उदाहरण में कावण की भावण की रावण की और घा तथा मावण यानी अक्षर की एक से अधिक बार आवृत हुई है, यानी ये अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहां पर क्या है अनुप्रास अलंकार है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। और स्पष्टीकरण भी जब आप लिखेंगे तो जो यहां पर मैंने कावण लिखा है, भावण लिखा है, रावण लिखा है, घावण और मावण यानी अक्षर लिखे हैं, इन्हें भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और साथ ही यहां पर अनुप्रास अलंकार जो लिखा है इसे भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आपको एक उदाहरण लिखना है, दो उदाहरण नहीं लिखने हैं, मैंने आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है कि यदि आप पहला उदाहरण याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, यदि आपको पहला उदाहरण नहीं याद होता है तो आप दूसरा उदाहरण भी याद कर सकते हैं, दोनों अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण हैं। तो यहां पर मैं आपको स्पष्टीकरण बता दूं कि इसमें अनुप्रास अलंकार कैसे है, आप देख सकते हैं कावण, कावण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और यहां पर भा और यहां पर भी भा यानी भावण की आवृत भी एक से अधिक बार हुई है, यहां पर घावण की आवृत भी एक से अधिक बार हुई है और आप देख सकते हैं मावण,
मा वर्ण की भी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि परिभाषा में लिखा है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर या एक ही वर्ण को अक्षर कहा जाता है, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है यानी वह अक्षर एक से अधिक बार आता है या बार बार आता है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर दूसरे उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, चावल की आवृत्ति तीन बार हुई है यानी कई बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है, इसलिए इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार का लक्षण, और उसका बिल्कुल आसान उदाहरण जो आपको याद करने में आसान लगे आप वो लिख सकते हैं अपनी परीक्षाओं में, और वो याद कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, तथा स्पष्टीकरण भी आपको लिखना है बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और यदि आप इसी तरीके से अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे और स्पष्टीकरण लिखेंगे, तो जो अलंकार से संबंधित प्रश्न के नंबर होते हैं यानी जो अलंकार से संबंधित प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, और उसके जितने भी नंबर होंगे या जितने अंकों का वह प्रश्न होगा, आपको 100% मिल जाएंगे। बस आप इस तरीके को अपना लें, इस ट्रिक को अपना लें कि जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें और बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद।